अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी हम आपको इस सर का ये जो सिस्टम है, इस सर एस्पायर 5, ये Core i7 है, 8th जनरेशन है। इसके अंदर जो रैम है 8 GB है, DDR4 उसका स्पीड है 2666666। और इसके अंदर जो पहले हार्ड डिस्क लगी हुई थी वो है 1 TB HDD। और इसके अंदर दूसरा ऑप्शन है M2, जो है SSD हार्ड आप लगा सकते हैं, उसका एक स्लॉट है। ठीक है, ये देखें, इसके अंदर जो पुरानी हार्ड डिस्क है HDD, उससे हमने इसका डिस्प्ले चेक किया है, लेकिन उसका स्पीड इतना अच्छा नहीं है, इसलिए हम इसके अंदर M2 SSD हार्ड डिस्क इंस्टॉल करेंगे और सिस्टम को अपग्रेड करेंगे। ठीक है, अभी हम इसके ये जो स्क्रू है ना वो रिमूव करेंगे और इसका बैक कवर ओपन करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर जो है ना वो जो इसका स्पेस बाकी है M2 SSD हार्ड डिस्क का, वहाँ हम M2 SSD हार्ड डिस्क इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए, हमने इसका बैक कवर ओपन कर लिया है और इसके अंदर ये इंटरनल बैटरी लगी हुई है, और ये जो है HDD 1 TB हार्ड डिस्क है, ये M2 है। ठीक है, M2 की स्लॉट है, इसके अंदर RD 8 GB 2666 जो है ना वो रैम लगी हुई है, DDR4 यानी कि PC4। अब हम इसके अंदर जो है ना वो 1 TB M2 SSD हार्ड डिस्क इंस्टॉल करेंगे। ये जो है ना ये M2 SSD हार्ड डिस्क है। ठीक है, तो अभी इंशाल्लाह हम इसमें M2 SSD हार्ड डिस्क लगाने के बाद उसमें विंडो 10 करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आपको इसका डिस्प्ले चेक कराएंगे। ये देखिए, इसके अंदर हमने 1 TB SSD हार्ड डिस्क M2 लगा दी है, और RD इसके अंदर जो है 1 TB HDD हार्ड डिस्क RD है। ये देखिए, ये 1 TB M2 हार्ड डिस्क हमने इंस्टॉल कर दी है।
अभी हम सिस्टम को क्लोज़ करने के बाद इसका ये देखिए, अब हमने इसका बोटिंग सिस्टम स्टार्ट कर दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी इसको हम बोट कर रहे हैं, ठीक है। विंडो को स्टार्ट कर दिया है, अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर तक विंडो जो है वो ये इसकी पुरानी HDD हार्ड डिस्क है, 1 TB। ये देखिए विंडो 95% हो गई है इसके अंदर। अभी ये देखें, इसमें जो विंडो स्टार्ट हो गई है, ये देखें इसका ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, विंडो आ गई है। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।